एवरीवन, वेलकम टू चैनल हुनर मुस्कान का। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आए तो लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे आने वाली नई वीडियोस को देखने के लिए बेल आइकॉन पे क्लिक करें। आज हम लोग बनाएंगे करेले सिंधी स्टाइल में। इसमें मसाले को स्टफ किया जाता है, इसे दास करेला कहा जाता है या इसे आप स्टफ करेला भी कह सकते हैं या भरवा करेला। ये खाने में बहुत ही टेस्टी होते हैं और कड़वे भी नहीं लगते हैं खाने में, अगर आप स्टेप्स बराबर फॉलो करते हैं तो। करेले लेंगे, उसे अच्छे से धो के साफ़ कर लेना है और उसे छील लेंगे हम लोग इस तरह से। उसे एक स्लिट लगाना है, टिप्स को कट नहीं करना है, सिर्फ बीच में एक स्लिट लगाना है जिसमें हम लोग मसाला भरेंगे। अभी एक पैन लेंगे, उसमें हम लोग पानी डालेंगे और नमक डालना है। इसमें करेले डाल के इसे बॉईल करेंगे हम लोग, जिससे इसका कड़वापन जो है निकल जाएगा। 5 मिनट बॉईल करना है। ग्रीन में से ऑलमोस्ट येलो कलर जब हो जाएंगे करेले तो हम लोग इसे निकाल लेंगे और इसका पानी ड्रेन कर लेंगे पूरा। उसके बाद करेलों को फ्राई करना है, इसे हल्के क्रिस्प हो जाएंगे करेले, हल्का सुनहरी हो जाएगा इस तरह से। तो हम लोग निकाल लेंगे करेलों को। अभी इसमें मसाला स्टफ करने के लिए मसाला बनाएंगे। धनिया, लहसुन, अदरक और हरी मिर्च इसे मिक्सी जार में लेंगे। इसके साथ डालेंगे सफ़ेद तिल, खसखस, इसे हम लोग पीस लेंगे इस तरह से। देखिए पेस्ट बनाना है, पेस्ट को निकाल लेंगे एक बाउल में हम लोग। इसके साथ इसमें डालेंगे सूखे मसाले। पहले नमक डालना है, नमक मसाले के जितना ही डालें, करेलों में हमने डाला है। हल्दी, लाल मिर्च, धनिया पाउडर, जीरा, आमचूर पाउडर, इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और ये जो स्टफिंग हमने बनाई है ये करेलों में स्टफ कर लेंगे कि इस तरह से अच्छे से भरना है, अच्छी क्वांटिटी में भरना है कि इस तरह से। भरने के बाद ये मसाला बाहर नहीं निकले उसके लिए एक थ्रेड लेंगे और वो करेलों पे लपेट लेंगे इस तरह से, जिससे मसाला इसमें से निकले नहीं। से सब करेलों पे हम लोग थ्रेड लपेट लेंगे। इसके बाद अभी पैन में इसे धीमी आंच पे हम लोग पकाएंगे, जैसे मसाला जो है अच्छे से कुक हो जाए। थोड़ी थोड़ी देर में इसे पलटाते आना है हमें, इसे एक ही तरफ से क्रिस्प नहीं हो, सब जगह से अच्छे से पके। मसाला अंदर तक पक जाएगा और धीमी आंच पे ही कुक करें। इस तरह से जब हो जाएगा तो हमारे करेले जो है बिल्कुल रेडी है खाने के लिए। बहुत ही टेस्टी हैं, बहुत ही डिलीशियस हैं, बिल्कुल कड़वे नहीं लगते हैं सिंधी दास करेला। एक बार ज़रूर बनाएं और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आपको मेरा वीडियो कैसा लगा। और मेरा वीडियो देखने के लिए थैंक यू।